मैं कुछ 22-24 बरस का था, बैकपैक करके मैं निकल गया, स्टेशन पहुंचा, वहां पर एक टिकट काउंटर से बोला कि जो भी ट्रेन आ रही है उसकी टिकट दे दो, मथुरा की टिकट मिली। ऐसे करते करते मैं नेपाल पहुंच गया। नेपाल में मैं गया तिकापुर विलेज में, जहां पर मेरा एक दोस्त वासु नाम का रहता था अपने फैमिली के साथ में। वासु भी मेरी उम्र का 24-23 बरस का, 25 बरस का, मोटा सा, पेट भार है उसका बहुत ज़्यादा। और तो हम लोग एक दिन गए चिशा पानी नाम की एक जगह है, जो का ससुराल था नेपाल में, वहाँ पर हम गए, थोड़ा मिले। उसके बाद में हमने चिशा पानी नाम की एक जगह को घूमा और कुछ दोपहर के 2 बजे हम एक ढाबे पे पहुँच गए। गांव के आउटस्कर्ट्स में एक ढाबा था, कोई भी नहीं था वहाँ पर दूर दूर तक। वहाँ पर बैठ करके मैंने फर्स्ट टाइम ये कुछ एप्पल का ड्रिंक होता है नेपाल में, जुमला नाम होता है ऐसा कुछ, वो हमने ट्राई किया। और मैं वहाँ पर बैठ के फटे ढकेलते गया, मैं और मेरा दोस्त वासु। 2 बजे से हमने शुरू किया चाउमीन खाते हुए, ऐसा करते करते 3 बज गए, 4 बज गए। वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी जो बड़े प्यार से सर्व कर रही थी, बातें कर रही थी। तो ऐसी अट्रैक्शन हो गया, बातें बातें करने लगा, ऐसे करते करते और पीते गया और खाते गया, जाने का वहाँ से मन ही नहीं कर रहा था। ऐसे करते करते कुछ शाम के 4:30-5 बज गए, मतलब कि अब तो गुरु निकलना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर का महीना है, शाम के 5 बजे से ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है और गांव तक जाना है, कैलाली विलेज वापस जाना है। फिर वासु तो अब तक टेबल पर फुल प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया है, जवान उमान बाहर लाल टपक रहा है आउट एकदम से। फिर पे वगैरह किया वहाँ से और हम चलिए चलने लगे, गए गांव के रास्ते से, ऐसा सुनसान है, कुछ भी नहीं है, बड़ा प्यारा सा फीलिंग है। एक साइकिल वाला हमको दिखता है, साइकिल रिक्शा वाला, कुछ 23-24 बरस का वो भी होगा, हम उम्र ही था वो भी, पतला दुबला, 45-50 वजन होगा, स्माइल करता हुआ। हमने बोला कि कैलाली गांव, तो बोला हाँ दाई जाएगा कैलाली गांव, बैठो। हम दोनों बैठ गए, वासु कम से कम 100 किलो का, मैं कम से कम 60 किलो का, मैं भी उस वक्त थोड़ा सा हेल्दी था, 160 किलो का हम वजन बैठ गया। ये साइकिल खुद होगी कुछ 40-50 किलो की और जो बंदा चला रहा है वो खुद 45-50 किलो का। हम पीछे बैठे हैं साइकिल के, साइकिल चल रही है, गांव के रास्ते से ऐसा जा रहा है, सुनसान रास्ता है। अगर आपने मेमोरीज ऑफ मर्डर फिल्म देखी है, जिस तरह से होता है कि फील्स है आजू बाजू में लश, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, हरियाली है, ठंडा सा वेदर है, रास्ता सुनसान सा है, दूर दूर तक इंसान ना इंसान की जात नज़र आती है, पंछी उड़ करके घर पे जा रहे हैं, साइकिल वाला हमारा साइकिल चला करके जा रहा है, कुछ बच्चे कुछ थैली वगैरह लेके भागते हुए ऐसे घर को जा रहे हैं खेल करके वापस। हमारा जो रिक्शा वाला था ना, वो कुछ अलग स्टाइल से साइकिल चला रहा था, हम तो पीछे बैठे हुए हैं, हम ऐसे देख रहे हैं, फुल आउट हो गए करके फ्राई कर रहे हैं उसको भी, तो वो बड़े स्टाइल से चला रहा था। मैं बोला यार ये बाजू छोकरा अलग स्टाइल मार दे रहा है, फुल स्टाइल से हवा में चलिए कर रहे हैं, मतलब कि वाह हक है इसको। ऐसा करते करते कुछ 20-25 मिनट का ये प्यारा सा राइड रहा, कैलाली विलेज का एंट्रेंस आ गया, वहाँ पर उतर गए। मैं बोला भाई मैं एक राउंड लूँगा तेरे साइकिल का, वो बोला ठीक है लो ना, मैं चढ़ गया। अब मैंने बचपन में हरक्यूलस साइकिल, जो बड़ी वाली साइकिल होती है, उस पर 40-40 लीटर दूध लाद करके मैंने चलाया है बचपन में, जब मैं छोटा था, मेरी हाइट भी छोटी थी 7th, 8th, 6th स्टैंडर्ड में, सवेरे, तो मेरे को बचपन से प्रैक्टिस था साइकिल विथ हैवी लोड चलाने का। पर वो खाली साइकिल में नहीं चला पा रहा था यार, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हाई था, पिकर के आउट था, नहीं, सीरियसली वो साइकिल हैवी थी और मैं राइट की तरफ ले रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ जा रही, लेफ्ट की तरफ ले रहा हूँ तो राइट की तरफ जा रही, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वो हैंडल जम ही नहीं रहा। मैं बोला गुरु भाई तू ही चला, तेरा सीन देख ले, मैं तो उतर गया वहाँ से। बोला कितना हो गया, वो बोला 40 रुपया। बोला ठीक है, ऐसा मैंने निकाला 40 रुपया दिया। उस इंसान ने ऐसे पैसे दिए यार, ऐसे जब मैंने दिए, उनके फिंगर्स नहीं थे, उनका ये पाम ही नहीं था, उनके ये दो चीज थे ही नहीं, ये जो हमारे हैं, उन्होंने ऐसे पैसे दिए स्माइल करते हुए। मेरा पूरा नशा उतर गया यार। मैं बोला भाई तू कैसे कैसे चला लेता है, कर लेता है, तो बोलता हाँ तू चला के लेकर के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, ओके। फिर मैंने देखा जब वो साइकिल पे चढ़े, ब्रेक होता है और हैंडल होता है, उन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसके बीच में वो अपना ये ऐसा हाथ जिसका जिसमें पाम ही नहीं है,
फंसा करके ऐसे ब्रेक लगाते थे यार। फेस पे एक शिकन नहीं है, एक शिकवा नहीं है, जिंदगी से एक नाराजगी नहीं है, किसी से कुछ रूठापन नहीं है, सूखापन नहीं है। इज वेरी हैप्पी, वो स्माइल कर रहे हैं, खुश है, अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड है जो है। मैंने पूछा भाई कहाँ का रहने वाले हो, वो बोला कि भारत का रहने वाला हूँ, बिहार में है परिवार, यहाँ पर काम करता हूँ, साइकिल वगैरह चलाता हूँ और सब कुशल मंगल है। यार हमारे पास सब चीज़ होती है, हम रोते रहते हैं, हमको खाना अच्छा नहीं लगता है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, हम कोसते रहते हैं हर चीज़ को। अपने आसपास देखेंगे अपने लाइफ में लोग कितना ज़्यादा बड़े बड़े समस्या के साथ में, बट वो खुशी से जी रहे हैं। सच कहा है किसी ने कि खुशी ये सब चीज़ों का पाबंद नहीं है, हैप्पीनेस इज समथिंग वेरी विद इन इटर्नल। मैंने अपने को बहुत छोटा सा पाया यार, मेरा पूरा नशा उतर गया, मैं देखने लगा वो भाई अपना ऐसा था करके फिर से, वो स्टाइल नहीं मार रहा था यार चलाने के लिए, ऐसा उनका कंडीशन ही वैसा था, वो चला नहीं सकते थे नॉर्मली जैसा हम पकड़ के चला सकते हैं, वो यही है नहीं, तो वो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके वो बैलेंस करके चला रहे थे। एक बहुत पहले मैसेज रोटेट होता था वो मैंने पढ़ा था, वन मैन क्राइड व्हेन ही हैड नो शूज, एक इंसान रोया जब उसके पास नए जूते नहीं थे, उसका रोना बंद हो गया जब उसने एक इंसान को देखा जिसके पास पैर ही नहीं है, दो दो टांगों के साथ में कई लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर पाए, एक लड़की है लेजेंड जिनके पास एक टांग नहीं है बट उन्होंने कई बार एवरेस्ट क्लाइम कर लिया। यहां पर से स्ट्रांग रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। इन लाइफ इट्स नॉट नेसेसरी टू बी स्ट्रांग बट टू फील स्ट्रांग। सैल्यूट है सब लोगों को, सब लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। इस कहानी से तो बहुत ज़्यादा सीखने को है, बहुत ज़्यादा लर्निंग है, ये एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया कि होशो हवास को उड़ा दिया है एक शख्स ने, एक हीरो ने। आप लोग खुश रहो, फुल पावर द मैड नोमैडो। यहाँ पर मनाली में लॉकडाउन है पिछले मार्च अप्रैल में, 3 महीने हो गए, फिर एंड में मैं यहाँ पर आया था। ये सब चलते रहेगा, बियॉन्ड द ट्रिप स्टोरीज मैडनेस एंड मेनी मोर स्टफ। आप लोग कनेक्टेड रहो, बताओ कैसा लग रहा है वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वाले चीज है, क्योंकि उससे मालूम पड़ेगा ना कि सही रास्ते पे कि रास्ता भटक गया है बॉस, कुछ मालूम पड़ने को मांगता, सुनते रे वे पागल बन जा रहा दी मैट नो मैट आउली। बाय बाय।